गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे, आज हम उसकी असाइनमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313, फाइव नंबर्स। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी, सबसे पहले तो देखो हमें रिवर्स पढ़ना होता है। रिवर्स कैसे पढ़ना होता है, ये ट्रिक है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो देखो सबसे पहले कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस वन हो गया। ये दो नंबर्स क्या था, हमने दो ले लिए, इनका स्क्वायर करना है, तो यानी कि इनका हमने स्क्वायर कर दिया। अब उसका सम करना है, यहां सम कर दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले सम करते हैं x प्लस वन, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। एक सिंपल ट्रिक है, हमेशा रिवर्स से पढ़ना। हमने स्क्वायर कर दिया, फिर सम कर दिया, ये हमें गिवन है 313। कह रहा फाइंड द नंबर्स, कैसे सॉल्व करेंगे, वही क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू 313, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 312, क्योंकि ये वन आके इधर माइनस हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे, तो देखो अगर हमें हो सकता है 156 का हमें ब्रेक करने में दिक्कत हो, हमें एलसीएम लेने में दिक्कत हो, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, तो माइनस का वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू इंटू वन। कैसे सोल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस वन प्लस, इसको करेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट 625 अपॉन टू, माइनस वन प्लस माइनस रूट 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर। इसको दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का। ये हो गया हमारा 24 बाई टू, मतलब कि 12, ये हो गया 26 माइनस का, यानी कि माइनस का 13। दो आंसर आ रहे हैं। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो देखो अब यहां पे बात हो रही थी नेचुरल नंबर्स की, तो माइनस का नंबर नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से इंफिनिटी होते हैं, तो हमारा एक ही नंबर बचेगा ये। पर हमारा ये तो हो गया x, दूसरा नंबर था हमारा x प्लस वन, मतलब कि 12 प्लस वन 13, तो यानी हमारा एक नंबर आ गया 12, एक आ गया 13। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड नंबर्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर्स पे ध्यान देना है। अगर ये नंबर्स कह रहा है तो हमने एक नंबर को मान लिया x, तो दूसरा हो जाएगा 4 माइनस x, ठीक है। तो क्योंकि इनका डिफरेंस क्या होता है 4 होगा, अब इनका प्रोडक्ट 192 है, तो प्रोडक्ट का मतलब है इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 192। पर अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो हम पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 192, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 192 इक्वल टू 0। फिर वही तरीका है जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो अगर हमने फॉर्मूला लगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए, क्लियर है। अब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 2, ये दोनों कंडीशन समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमने यहां पे माना कि हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो इसको आगे नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए मैंने यहां पे इस तरीके से करा है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट में नेगेटिव,
रूट पे नेगेटिव नंबर आती है, हमारा नॉन रियल नंबर हो गया, और नॉन रियल नंबर हम सोल्व नहीं कर सकते। तो यानी हमने अब कहां पे गलती करी है, फर्स्ट स्टेप पे, जहां पे बच्चे एग्जाम में मिस्टेक करते हैं। देखो हमने नंबर माना है एक्स और फोर माइनस एक्स, तो अगर अब हम देखें उनका डिफरेंस फोर आना चाहिए, तो अगर मैंने एक्स में से फोर माइनस एक्स को माइनस करा होता तो मेरा फोर तो नहीं आना, ठीक है। तो यानी हमें नंबर क्या एड करने थे, एक्स और एक्स माइनस फोर। अब देखो इस पर मैं अप्लाई करके बताऊंगा चीज क्यों, क्योंकि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो मेरा x माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू फोर आ जाएगा, वो वही बात कह रहा था। जल्दीबाजी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, x और 4 माइनस x लेके चलते हैं, और हमने अगर x और 4 माइनस x लेके चला तो हमारा यहां पे आते आते क्वेश्चन अटकेगा यहां, जो कि हमारा रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हमें करना नहीं है पेपर में अप्लाई, बट ये मैंने समझाने के लिए मैं करा है कि ताकि आपको पहले मैं करके दिखाऊं और आपको पता चले कि हम अटकेंगे कहां। इसका मैंने रीजन भी आपको यहां दे दिया, अगर हम यहां पे माइनस करते हैं तो हमारा वो 4 नहीं आ रहा, ये हमारा बनना है कुछ 2x माइनस 4, जबकि आना चाहिए हमारा 4। अब हमें करना इस तरीके से है कि अगर हमने दो नंबर लेट करें, ये 4 आ रहा है, अब ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट हमारा है 192, तो बाकी हमारा तरीका वही सेम है, इक्वल टू 192। इसको हम 192 को लेफ्ट में ले आएंगे। अब देखना यहाँ पे मैं वही कंडीशन लाके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे हमारा है माइनस बी, मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू में सी अपॉन में टू इंटू ए, ये हो गया फोर, प्लस माइनस रूट सिक्सटीन प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है दोनों प्लस आ रहे हैं, अगर ये भी बाई चांस हमारा माइनस होता ना तो हमारा मेन मकसद होता है कि हमारा जो रूट में टोटल आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे आप सोल्व करके बताएंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं किसका ठीक आता है। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे फाइंड होल नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 16 इक्वल्स 80 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। तो हमें सिंपल वही तरीका अपनाना है, हम सबसे पहले नंबर तो मान लेंगे x, अभी हमें नहीं पता ये होल नंबर है नेचुरल नंबर है क्या है, हमने इसको x मान लिया। अब इसको हमने 16 से डिक्रीज कर दिया, तो वो कह रहा है इक्वल्स, मतलब ये इक्वल हो जाएगा 16 से डिक्रीज करते, जितना वो बोलता जाए ना जहां पे भी इक्वल्स आ जाए वहां पे इक्वल टू लगा देना, 80 टाइम्स हो जाएगा किसके, रेसिप्रोकल के, तो इसका रेसिप्रोकल तो ये होगा x का रेसिप्रोकल 1/x। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 16 इक्वल टू 80 अपॉन x, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 80, तो x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल टू 0, वही तरीका हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन में टू इंटू ए, 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 320 अपॉन टू, अगर आपको नहीं आता हो तो आप इस तरीके से कर भी सकते हो, अगर डाउट हो जल्दी से नहीं दिमाग में आए, तरीका ये होता है। मैंने यहां डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ट्रिक होती है, हमें पता होता है 144 तो 12 का होता है, तो देखो 12 2 का पेयर 24। अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, 16 प्लस 24 अपॉन 2 और 16 माइनस 24 अपॉन 2, ये हो गया 20 और ये हो गया माइनस 4।
अब देखो फिर वही बात है, अब हमें चेक करना है, वो कहता है होल नंबर, यहाँ पे आओ होल नंबर, अब माइनस एट माइनस फोर तो हमारा होल नंबर होगा नहीं, क्योंकि हमारा होल नंबर जीरो से इंफिनिटी होते हैं, पर हमारा 20 एक होल नंबर हो सकता है, तो हमारा यही नंबर हो गया 20। अगर हम चेक भी करना चाहें तो देखो 20 में से 16 गए, अगर हम चेक करें, देखो अगर मैं यहाँ पे रफ में चेक कराता हूँ, 20 में से 16 गए तो 4 आ गया, और ये हो गया 80/20, ये 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 34, इफ फर्स्ट नंबर इज 1 लेस देन ट्वाइस द सेकंड नंबर फाइंड नंबर्स। देखो इसमें कैसे करना है कि अगर हम पहली वाली लाइन को देखें स्टेटमेंट को, तो हमने एक नंबर तो मान लिया x, पर दूसरा नंबर हम इस इक्वेशन से स्टेटमेंट से नहीं मान पा रहे, तो हमें पहले सेकंड स्टेटमेंट को देखना है कि अगर फर्स्ट नंबर इज 1 लेस देन ट्वाइस द सेकंड नंबर, तो ये जो है देखो सेकंड नंबर का ट्वाइस उसमें से 1 लेस करें, तो यानी हमारा एक नंबर तो x हो गया, दूसरा हो गया 2x-1। अब हम आएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट पे, इनका हमें स्क्वायर करना है फिर सम करना है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे और फिर हम इनका सम कर देंगे, इक्वल टू 34 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 5x² - 4x इक्वल टू 33, 5x² - 4x - 33 इक्वल टू 0, फिर वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 20 इंटू 33, 4 प्लस माइनस 676, इसका स्क्वायर रूट रह गए 26। अब देखो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 30/10, 3 ये हो गया माइनस का 22/10, तो देखो ये माइनस का 22/10। अब इसको हम पॉइंट्स में सोल्व करने की जगह पहले क्वेश्चन को ही चेक कर लेंगे, वो कह रहा था नेचुरल नंबर्स, तो ये तो पहले नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, हमारा 3 हो गया एक नंबर, तो यानी अगर हमने देखा x हमारा 3 आ गया, तो दूसरा नंबर हमारा क्या था 2x-1, मतलब कि 2 × 3-1, 5, ये हो गया हमारे दो नंबर 3 और 5, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को करना है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।